इस वीडियो में हम एसपीडी बुक के द्वारा नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिसका जन्म हुआ था 1833 में और उनका मृत्यु हो गया 1896 में, तो इसी के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। यानी इसी के जिस दिन इनका मृत्यु हुआ था उसी के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में किया गया था और नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। स्टॉकहोम जो स्वीडन में पड़ता है और ओस्लो नॉर्वे देश में पड़ता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वीडिज रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं पुनर्गठन के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रागर फिश नॉर्वे एवं जेन टीन बोर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोरटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान कराती है। कोरोलिंस्का चिरोचिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन में जो पड़ता है, शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। उन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अबुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2015 के तहत 8 मिलियन स्वीडिश करोन लगभग 6.29 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई 17 वर्ष के थी, जिसे 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।